हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग सभी को सरिताज किचन पे। सो आज फिर से मैं आई हूँ एक नया रेसिपी लेके। सो आज आप लोगों के बीच में मैं शेयर करूँगी बेंगोली लाबरा रेसिपी। सो ये मिक्स वेजिटेबल से बनाया जाता है और बंगाल में इसको दुर्गा पूजा में भोग लगाया जाने वाला खिचड़ी के साथ में इसको बनाया जाता है। सो ये प्योर वेज करी है। इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले अपना मनपसंद सब्जी लेंगे। आप कोई भी अपना मनपसंद सब्जी ले सकते हो। मैंने आलू लिया है एक पीस, एक पीस मूली लिया है 3 से 4 कलियाँ, फूलगोभी लिया है, एक टोमेटो लिया है, लाल कद्दू लिया है और 100 ग्राम हरी मटर लिया है और बीन्स लिया है एक पीस, गाजर लिया है, 3 से 4 हरी मिर्ची लिया है और बैंगन लिया है और साथ ही हमने पालक भी लिया है। अब सबसे पहले हम मसाला को रेडी करेंगे। मसाला में हमने एक टुकड़ा दालचीनी लिया है, 3-4 ब्लैक पेपर लिया है और 2-3 छोटा इलायची लिया है और 1-2 लौंग लिया है और इसमें लिया है 2 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच जीरा लिया है। ये सारा को फ्राई करके हम फाइन पाउडर तैयार करेंगे। गरम मसाला का फ्राई किया हुआ पाउडर का लाबरा रेसिपी में काफ़ी अच्छा फ्लेवर देता है। सो ऑयल अच्छे से गरम हो चुका है। 2 चम्मच बराबर मस्टर्ड ऑयल ऐड कर दिया था हमने और साथ ही साथ हमने 5 फ़ोरन ऐड कर दिया है फ़ौरन के लिए और 4 सूखी मिर्ची को भी ऐड कर दिया है, 1 तेज़पत्ता को ऐड करेंगे। अब इसको सोते करते हुए हल्का सा ब्राउन होने देंगे ताकि फ़ौरन वाला मसाला का खुशबू बाहर तक जाए। जैसे ही ये हल्का ब्राउन हो जाता है तो इसका अंदर में हम ऐड कर देंगे गिंजर का पेस्ट। अब इसको ऐड करते हुए भी इसको हल्का सा ब्राउन होने दें। जैसे ही गिंजर हमारा हल्का सा ब्राउन हो चुका है, अब इसमें हम वो सब्जियां डालेंगे जो सबसे पहला गलता हो वो बाद में डालेंगे और जो गलने के लिए टाइम लगता है वो वेजिटेबल को सबसे पहला हम ऐड करेंगे। हमने सबसे पहला आलू, मूली और फूलगोभी का डंठल, गाजर और लास्ट में बीन्स ऐड करते हुए आप इसको अच्छे से मिक्सअप करेंगे और साथ ही साथ इसमें हमने हरी मटर को भी ऐड कर दिया है और सबसे लास्ट में हम भोपला को ऐड करेंगे। सब्जी को ऐड करने के बाद हम हरा सब्जी को अच्छे से मिक्स करते हुए भूनेंगे। जैसे ही सारा सब्जी को 1 मिनट भून लिया हमने, अब इसको कवर कर देंगे। 4 मिनट के लिए इसको ढक के हम पकाएंगे। ये सॉफ्ट होने के लिए हमको इसको ढकते हुए ही पकाना है। सो 4 मिनट बाद हमने कवर को आउट कर दिया है। वेजिटेबल हमारा सॉफ्ट होने लगा है और इसका अंदर से पानी भी निकल रहा है। सो 1 मिनट ऐसे ही चलाते रहे और उसका बाद में हम जो हमने बाकी का सब्जी रखा हुआ था, जो जल्दी गल जाने वाला सब्जी जैसे कि बैंगन रखा था हमने, और इसमें ऐड कर देंगे टोमेटो जो बड़ा बड़ा स्लाइस चॉप किया हुआ है हमने, और इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्ची को भी और ऐड कर देंगे पालक को। बाकी का वेजिटेबल ऐड करने के बाद में सारा वेजिटेबल को मिलाते हुए चलाए और पकने दे 1 से 2 मिनट। अभी आपको ऐसे दिख रहा है कि बहुत ही ज़्यादा है ये, लेकिन ये पकने के बाद बिल्कुल कम हो जाता है। सो अब इसी का अंदर में हम ऐड कर देंगे नमक को। नमक अपना हिसाब से कम या ज़्यादा आप ऐड कर सकते हो और इसमें ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर 1 टीस्पून और ऐड कर देंगे चिल्ली पाउडर। बस इससे ज़्यादा अभी कुछ ऐड नहीं करेंगे। आप इन तीनों चीज़ों को भी अच्छे से मिला देंगे और दोबारा से इसको हम 4 से 5 मिनट के लिए ढक देंगे। 5 मिनट बाद इसको कवर आउट कर देंगे। वेजिटेबल और भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। 1-2 मिनट ऐसे ही चलाते रहे मिक्स करते हुए वेजिटेबल को। अब हम इसमें ऐड कर देंगे गरम मसाला पाउडर जो हमने भून के तैयार किया हुआ था। इसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा लगता है लाबरा रेसिपी में। सो अब ऐड कर देंगे हम घी बड़ा 1 चम्मच
और ऐड कर देंगे हम छोटा टीस्पून शुगर, ये ऑप्शनल है, इसको स्किप ना करें, चाहे तो आप इसका क्वांटिटी कम करके ले सकते हो। अब सारा चीज़ों को दोबारा से मिलाएंगे और पकने देंगे। इसमें पानी का मात्रा कम हो चुका है, सो थोड़ा सा गर्म पानी इसमें दोबारा ऐड करेंगे ताकि लाबरा अच्छा से और भी सॉफ्ट हो जाए। ये ज़्यादा ड्राई नहीं बनता है, ये गिल्ला गिल्ला ही बनता है लाबरा रेसिपी, सो इसको और ज़्यादा सॉफ्ट होने दें। इसके लिए हम 5 से 6 मिनट के लिए दोबारा इसको ढक देंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए। 5 मिनट बाद कवर आउट कर देंगे। हमारा वेजिटेबल लाबरा रेसिपी बिल्कुल बनके तैयार है। आप लाबरा को चाहे खिचड़ी या चावल या रोटी किसी का भी साथ लेके सर्व कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आया होगा, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहला आप तक पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी का साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच, थैंक यू।